डीडी उर्दू पर। वाले चिल्लाएंगे तो आप बिल बिलाएंगे। कौन से धर्म की बात कर रहे हो? मैंने कभी अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी, और तुम्हारा धर्म वो बदनाम कर दूंगा। सात समंदर पार अमेरिका रहे, क्या खाया क्या पिया किसके साथ रहे, मैं ऐसा कर दूंगा कि बनारस वाले आपका मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे। आपकी बीवी आपसे दूर भागेगी, वो धर्म के नाम पर कुछ भी बलिदान कर सकती है। क्या बक रहे हो? हवेली काटने को दौड़ेगी, लखनपुर में ठिकाना नहीं मिलेगा, वापस अमेरिका जाना पड़ेगा। आप हार गए, मैं जीत गया भैया, मैं जीत गया। अरे क्या करती हो आज, सब कुछ भूल गई, बौला गई हो क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, आज गुस्सा करने का दिन नहीं है। आज इतने सालों बाद हमारा प्रेम वापस आ रहा है जी घर। हाँ दया की माँ, बड़े भैया की रूह स्वर्ग में आज कितनी खुश होगी, पर आज आज तो वो बहुत खुश होंगे।
बेटा क्या कोई अपनों के साथ ऐसा भी करता है? हमारी आंखें तुम्हारे देखने के लिए तरस गई, इतने वर्षों में तुम्हें हमारी याद ही नहीं आई। बड़े भैया तुम्हारी याद करते करते खत्म हो गए, तुमने तो हमें भुला ही दिया, हमारी याद कभी नहीं आई। ऐसा मत कहिए चाचा साहब, ऐसा मत सोचिए आप। वहां अमेरिका में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे आप सबकी याद ना आई हो। चुप चुप जियो मेरे लाल, तुम घर वापस आ गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। अपने चाचा की बातों का बुरा मत मानो, ये वक्त इन सब बातों को करने का नहीं है। लल्लू के बापू, बच्चा घर वापस आ गया, यही बहुत बड़ी खुशी की बात है। गाड़ी तो सही वक्त पर आ गई थी ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई? चाचा साहब गाड़ी ही लेट थी इसीलिए देर हो गई। मैं स्टेशन मास्टर से बार बार पूछता और वो बार बार यही कहता कि बस आने ही वाली है। गाड़ी आई तो मैं प्रेम भैया को फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ढूंढने लगा, मगर भैया वहां थे नहीं। तो तुम गाड़ी के कौन से दर्जे में बैठे थे? चाचा साहब मैं तो गाड़ी के तीसरे दर्जे में बैठा था। तुम थर्ड क्लास में क्यों बैठे? चाचा साहब वो इसलिए क्योंकि पहला दर्जा तो अंग्रेजों के लिए है ना। तुम तो अमेरिका से आए हो। तो क्या हुआ चाचा साहब, हूं तो मैं आज भी हिंदुस्तानी ना। तुम्हारा इनकलाबी मिजाज आज भी वैसा ही है। और ये थर्ड क्लास के डब्बे से एक बैग लेकर उतरे और आते ही मुझसे लिपट गए और बोले आज तो हम तांगे में जाएंगे। चाचा साहब। हाँ बेटा। शेख बाबा नहीं कहीं दिखाई दे रहे? वो तो तुम्हारे पिता के गुजर जाने के बाद हवेली छोड़ गए थे। और भैया हमें तो आप अमेरिका का हालचाल सुनाइए। अरे अभी तो आया है थकाहारा, यही रहेगा, सुनती रहना फिर। जी चाची साहब। ज्ञान भैया। क्या बात है, आपके भैया यहां आकर खुश तो हैं? वो तो खुश है भाभी, मगर बिरादरी खुश नहीं। बिरादरी ने भैया को बाहर कर दिया है। मगर क्यों? बिरादरी ने उनके खिलाफ इतना कड़ा फैसला क्यों लिया? उन्होंने कौन सा धर्म तोड़ा है, कौन सा पाप किया है? मैं जानता हूं भाभी कि आपने भैया के वापस आने के लिए कितनी दुआएं की हैं और आप उनके लिए हर मुसीबत का सामना कर सकती हैं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि आपको आपका धर्म आपकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आपने अच्छा किया जो आप नीचे नहीं आए और आपको किसी ने उनसे बात करते हुए नहीं देखा, नहीं तो वो लोग इसी वक्त हंगामा कर देते। वो तो मुझे लाज आ रही थी इसलिए, लेकिन इसका धर्म से क्या संबंध है, हंगामा करने की क्या बात है? सात फेरे उनके साथ लिए हैं तो सारी जिंदगी उनके साथ बिताना मेरा धर्म है। धर्म से इसका संबंध बहुत बड़ा है भाभी। पंडित कहते हैं कि जो आदमी सात समुंदर पार अमेरिका में रहा, क्या खाया क्या पिया, छी 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 छी, किन किन लोगों के साथ रहा, उसका धर्म से क्या संबंध? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो बिरादरी वाले कहते हैं। मैं तो आज भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ, बिरादरी से मुंह नहीं मोड़ सकता। और इससे पहले कि कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाए, मेरा फर्ज था कि मैं आज ही आपको सारी बात बता दूँ। लेकिन वो आज ही तो हवेली आए और आज ही बिरादरी ने उनके खिलाफ फैसला भी सुना दिया। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ।
पंडित तो उनके साए से भी दूर भाग रहे हैं। कहते हैं कि अगर ऐसे अधर्मी ने उनको छू लिया या उन्होंने उसे छू लिया तो कहीं वो खुद कष्ट में ना आ जाए। चर्चा तो तभी से शुरू हो गई थी जब प्रेम भैया का पता चला था कि वो हवेली वापिस आ रहे हैं। मगर तुमने मुझे पहले तो नहीं बताया और ना ही हवेली में कोई बात हुई। मैं लखनऊ से वापिस आया तो उड़ते उड़ते ये बात मेरे कानों तक पहुंची, मगर मैंने सोचा कि शायद अफवाह हो। लेकिन आज बिरादरी के खास खास लोग पंडितों के साथ बैठे हैं और प्रेम भैया के बारे में बात हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए और ये पंडित लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आपको और भैया को प्रायश्चित करना होगा। उन्हें डर है कि कहीं आपने अपने शौहर को छूने की इजाजत दे दी तो कहीं भैया किसी संकट में ना पड़ जाए। नहीं नहीं, धर्म को तोड़ना भी तो संकट ही है। नहीं, धर्म मेरे लिए सबसे ऊपर है और तुम्हारे भैया की रक्षा भी मेरा धर्म है। अगर मेरी वजह से उन पर कोई कष्ट आया तो मैं अधर्मी बन जाऊंगी। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। हाँ भाभी, ये इम्तिहान ही है और मुझे यकीन है कि आप इस इम्तिहान में कमजोर नहीं होंगी। दिल तो चाहता था कि उनकी इतनी सेवा करूं कि बरसों का बिछड़ापन भूल जाए, लेकिन अब क्या होगा, क्या बीतेगी उन पर, क्या बीतेगी मुझ पर। हे भगवान, मुझे हिम्मत दो। भाभी, बिरादरी इस बारे में क्या सोचती है मैंने आपको बता तो दिया, मगर मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था। मगर आप इसका जिक्र किसी से मत करना, अगर प्रेम भैया को पता लगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा भाई छोटे भाई से दूर हो जाए। ईश्वर करे किसी की नजर ना लगे, दोनों भाई एक जैसे कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। भैया आप बैठो। बैठो बैठो। चचा साहब। हाँ बेटा। वो पटवारी आया है, उसे कुछ जरूरी काम है, मैं जरा उससे मिलकर आता हूँ। नहीं बेटा, क्या तुम यहाँ बैठो, भैया के साथ खाना खाओ, पटवारी से मैं मिलता हूँ। भैया आप खाइए। हाँ, मगर वो श्रद्धा कहाँ है, उन्हें तो यहाँ होना चाहिए था, बरसों हो गए उनके हाथ का खाना खाए। भैया आप खाइए, भाभी तो अपने कमरे में होंगी, ये खाना मैंने खास तौर पर आपके लिए बनवाया है। अच्छा। हाँ। भाई घर के खाने की बात ही कुछ और होती है। वाह क्या लजीज खाना है। वहाँ अमेरिका में तो बस बाहर का खाना ही खाना होता था, बस यूं बस पेट भर लेते थे। भैया बरसों आप अमेरिका में रहे हैं तो वहाँ के खाने का मज़ा नहीं आता होगा, तो आज घर पे आए हैं तो खाने का भरपूर मज़ा लीजिए। हाँ, अरे भाई तुम्हारी थाली कहाँ है, बरसों बाद दोनों भाई मिलकर खाना खाएंगे। और हाँ, अगर श्रद्धा यहाँ होती अपने हाथ से परोसती तो और अच्छा लगता। भाभी तो बहुत अच्छी है, आपने ठीक किया जो वापस आ गए। आप खाइए भैया। पिता भैया, मगर सच बात तो ये है कि आप मेरे बड़े पिता भैया मगर सच बात तो ये है कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरा पिता समान है, मगर बिरादरी और धर्म रिश्तों को नहीं मानती। बिरादरी के लिए तो धर्म सबसे बड़ा है।
बिरादरी क्या कह रही है हुँ? और धर्म का क्या मसला है? मेरा धर्म तो आज भी वही है जो मेरे पैदा होने पर था, फिर ये सब क्या कह रहे हैं? जब से आपके हवेली में आने की खबर सुनी है, एक तूफान सा है भैया। मैं तो खुद परेशान हूं, मगर आप जानते हैं कि कोई कितना भी बड़ा जमींदार हो, मगर बिरादरी के आगे तो उसे छोटा बनकर रहना ही पड़ता है। और जब कोई हंगामा होने लगे तो भाई किस बात का हंगामा है? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? अभी आई मुझे देर नहीं हुई, बिरादरी ने ऐसा क्या देख लिया जो मेरे खिलाफ हो गई? आपने परदेश, वो अभी अमेरिका रहकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। भाई कैसे कर लिया? इंसान कहीं भी रहे अपना धर्म निभा सकता है। ईश्वर ने यह सारा संसार बनाया है, ये जमीन उसी की है। आदमी कहीं भी रहकर अपने धर्म का पालन कर सकता है। सारे पंडित, सारे बिरादरी वाले यही कहते हैं कि आपने वहां क्या खाया, क्या पिया, किन किन लोगों के साथ रहे और जैसा वहां का माहौल है, अपने धर्म पर कायम रहना मुमकिन नहीं। मेरा यकीन अपने धर्म पर जितना पहले था, दुनिया घूमने के बाद उससे ज्यादा बढ़ गया है। मैंने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहा, किसके साथ था, क्या इसकी जांच बिरादरी या पंडितों ने की? मैंने वहां कैसे जिंदगी बिताई ये मैं ही जानता हूँ ज्ञान। अरे भैया, मैं तो खुद कहता हूँ कि इंग्लैंड अमेरिका रहने से धर्म क्या क्या ताल्लुक, मगर बिरादरी का क्या करूं? अरे पंडितों ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक आप इस हवेली में रहेंगे, कोई पूजा पाठ कराने भी यहां नहीं आएगा। अगर ये तुम्हारी अपनी राय होती ज्ञान कि तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे तो और बात थी, मगर बिरादरी के कहने पर तुम अपने भाई के साथ खाना नहीं खाओगे तो फिर साथ रहने का क्या मतलब हुँ? तुम्हें तो इसमें भी परेशानी होगी। भैया मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे आपके यहां रहने से कोई परेशानी नहीं। ये हवेली आपकी है, सब कुछ आपका है, आप यहां आराम से रहिए, आप खाना खाइए, पर मुझे मजबूर मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, और मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। कहीं यही सोचकर श्रद्धा तो यहां नहीं आई? नहीं नहीं, श्रद्धा ऐसा नहीं सोच सकती। श्रद्धा तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी रूह, वो ऐसा कैसे कर सकती है? भाभी, भाभी आज तो इतना खुशी का दिन है और आप ऐसे उदास बैठी हो, आपको भैया के आने की खुशी नहीं है क्या? मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी? तुम तो जानती हो ना विद्या, ये मुबारक दिन देखने के लिए मैंने कितनी तपस्या की। भाभी आप ये बातें छोड़िए, आप यहाँ पे बैठिए, आइए बैठिए, आज मैं आपको सजाती हूँ।
भाभी मैं जानती हूँ कि आपने बहुत दुख झेला है और एक औरत होने के नाते मैं आपका दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक औरत जिसका पति इतने साल देश से बाहर रहा हो और उसका कुछ पता भी ना हो, ना कोई खत ना कोई पत्र, और फिर भी वह औरत प्रेम की मूरत बने चुपचाप सारे दुख झेलती रहे, अपना धर्म निभाती रहे और मुंह से उफ तक ना करे। मगर भाभी, ईश्वर ने आपको आपकी तपस्या का फल दिया है, आपकी तमन्ना पूरी कर दी है भाभी। ये तमन्ना मेरी अंधेरी रात का चिराग है विद्या, मेरी डूबी हुई नैया का पतवार। उनके आने से जैसे मुझे मेरी खोई हुई मंजिल मिल गई। पर भाभी, आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है और आपकी आवाज में इतना दर्द? अच्छा ये बता, धर्म के कितने रूप हैं? देखो भाभी, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ नहीं कि धर्म के बारे में बात कर सकूं। अरे धर्म के बारे में तो आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। भाभी, मैं तो ढंग से पूजा पाठ भी नहीं कर पाती। आज इस खुशी के दिन मेरा दिल क्यों डर रहा है? भाभी, मिलन को इतने साल जो बीत गए हैं कि ये मिलन आपको पहला मिलन लग रहा है, और भाभी आज आप लग भी रही हैं बिल्कुल नई दुल्हन के जैसे, तो नई दुल्हन को पहले मिलन का डर तो लगता है ना? तू हंस रही है विद्या, तुझे कैसे बताऊं कि मेरे दिल में क्या बीत रही है। एक तरफ धर्म संकट है और दूसरी तरफ उनसे मिलने की तड़प। लो भाभी, अब धर्म संकट कैसा? अरे धर्म ने इजाजत दी है इस मिलन के लिए, और भाभी किसी भी धर्म में पति पत्नी के मिलन को रोका नहीं गया है। मैं तुझे नहीं समझा सकती, मैं कितनी परेशान हूं। एक अजीब सी कश्मकश है, दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है। दिल कहता है कि अभी जाकर उनके पांव से लिपट जाओ, उनको सामने बिठाकर उनकी पूजा करो, उनसे दूर होकर मैंने क्या सहा है? उनके बिना अकेली रातें मैंने कैसे काटी है? उनकी याद को दिल से लगाकर रात दिन बस यही दुआ करती रही कि भगवान मुझे उनके दर्शन करवा दे। ये सब बातें उनको सुनाओ। हाँ हाँ भाभी, वो घड़ी अब आने ही वाली है, और मैं तो कहती हूँ कि आप पहली रात की दुल्हन की तरह घूंघट निकाल कर बैठना। वो आएंगे, आपका घूंघट उठाएंगे, आपको खूब निहारेंगे, और फिर उसके बाद आप उठकर उनके पैर छू लेना। बस कर विद्या, मुझे और ख्वाब मत दिखा, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मेरा दिल बिखरा जा रहा है और तू मुझे ख्वाब दिखा रही है। लो भाभी, भला इसमें ख्वाब दिखाने वाली क्या बात है? अरे ख्वाब तो तब होता जब आप उनसे दूर होती, मिलन के लिए तरसती, पर भाभी अब ये ख्वाब नहीं है, ये सच्चाई बनने वाली है। और भाभी, मैं खूब जानती हूँ कि आपके दिल में क्या है। तू क्या समझती है क्या है मेरे दिल में, तू ही बता दे। बता दूं? हाँ हाँ बता, अगर तू कुछ जानती है तो। भाभी, आप बहुत धर्म कर्म वाली हो और आप डरती हो कि कहीं पति धर्म निभाने में कोई कमी ना रह जाए, है ना? मेरे धर्म ने ही तो मुझे उलझन में डाला है। देखा भाभी, मैंने कहा था ना। अरे भाभी, धर्म निभाने में कोई कमी रह भी जाए तो क्या बात है? अरे जेठ जी तो सात समुंदर पार से वापस आए हैं आपके लिए, और अब वो यहीं रहेंगे। खूब धर्म निभाती रहना, उनकी खूब सेवा करना, खूब इज्जत करना, किसने रोका है? तू नहीं जानती विद्या, तू कुछ नहीं जानती। भाभी, आपकी आंखों में आंसू,
वो भी इस घड़ी पर। अच्छा मैं समझ गई, जब इंसान बहुत खुश होता है या फिर कोई खोया हुआ मिल जाता है तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, और यहाँ तो खोए हुए भगवान मिल गए, पति परमेश्वर जो वापस आ गए हैं। भाभी मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपके मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, है ना? मगर आप जुबान से कैसे कहेंगे? और भाभी आज तो मिलन की रात है, और आप जानती हैं आप बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लग रही हैं। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, प्रेम भैया आने वाले होंगे, और जब प्रेम भैया आए तो उनका अच्छे से स्वागत करना। भाभी प्रेम भैया सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा कहना समझ गई ना मेरी बड़ी बहना? हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता